आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरतालिका तीज या तीजा, ये त्योहार सनातन धर्म में बहुत महत्व रखता है। हरतालिका तीज हिंदू महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। ये त्यौहार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से अगस्त या सितंबर के महीने में आता है। हरतालिका तीज का त्यौहार विशेष रूप से भारत के उत्तरी भाग में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं व्रत रखती हैं, साज सज्जा करती हैं, अपने हाथों और पैरों को मेहंदी से सजाती हैं। हिंदू धर्म अनुयायियों के अनुसार हरतालिका तीज भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम पूर्ण बंधन को मानने के लिए मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष व्रत रखा था। इस बार हरतालिका तीज 18 सितंबर को मनाई गई। हरतालिका तीज विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं रखती हैं। व्रत के दौरान उन्हें कुछ भी खाने या पीने की इजाज़त नहीं होती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान पार्वती के पिता भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के खिलाफ थे, क्योंकि उन्होंने पहले भगवान विष्णु के विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। इसलिए अपनी सहेलियों की मदद से देवी पार्वती एक जंगल की ओर जाने में सफल रहीं और भगवान विष्णु के साथ विवाह से बचने के लिए उन्होंने स्वयं को छिपा लिया था। देवी पार्वती ने व्रत रखा और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहन तपस्या के बाद उनके स्नेह को पाने में सफल रही। हरतालिका तीज के दिन विवाहित महिलाएं सुखी जीवन के लिए व्रत रखती हैं और विशेष पूजा करती हैं, जबकि अविवाहित महिलाएं विवाह के लिए अपने पसंद के साथी को पाने के लिए व्रत रखती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हरतालिका तीज माता पार्वती और भगवान शिव की कथा से जुड़ा हुआ है। अखंड सुहाग का वरदान भी इस दिन मिलता है। हरतालिका तीज पर्व की मान्यता के अनुसार इस व्रत में सुहागिन स्त्रियां सुबह से लेकर अगले दिन सुबह सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करती, यानी 24 घंटे तक बिना अन्न जल के सुहागिन महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रखती हैं। ये पर्व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ कई राज्यों में बहुत ही परंपरागत उत्साह श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। ये दिन शिव पार्वती के पूजन के साथ ही भगवान श्री गणेश के पूजन के लिए भी खास माना जाता है। ये अखंड सुहाग का वरदान देने वाला व्रत माना जाता है। ये कथा भगवान शिव जी ने ही माँ पार्वती को सुनाई थी और इस कथा में माँ पार्वती को उनके पिछला जन्म भी उनके द्वारा याद दिलाया गया था। उस दौरान कथा भी बांचने का रिवाज बना हुआ है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरतालिका तीज पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर पूजन अर्चन करती हैं, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इसके साथ ही हरतालिका तीज की कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस तरीके की मान्यताएं भी हैं। इस कथा को सुनने से सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि भी होती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। हरतालिका तीज शिव की नगरी सिवनी में परंपरागत उत्साह उल्लास उमंग श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। देवालयों में फुलेरा बांधे गए, जगह जगह विशाल फुलेरे बांधे, लोगों के घरों में भी फुलेरे बांधे गए और हरतालिका तीज का व्रत, जिसे तीजा का व्रत भी कहा जाता है, महिलाओं के द्वारा तीजा का व्रत किया गया। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। इसकी कथा में
जो पौराणिक कथाएं मिलती हैं उसके अनुसार भगवान शिव ने माँ पार्वती को पिछला जन्म याद दिलाया था और उन्होंने कहा है, गौरा पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तपस्या और तप किया था, ना तुमने कुछ खाया ना पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए, जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम डटी रही, बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। इस हालत को देख कर तुम्हारे पिता दुखी हुए और उनके दुख को देख कर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ, आपकी कन्या से वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं, इसके लिए आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर विष्णु भगवान विष्णु यही चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, पर जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई, तुम्हारी सहेलियों ने तुम्हारे दुख का कारण जानना चाहा, तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया किंतु मेरे पिता मेरा विवाह है भगवान विष्णु के साथ तय करना चाह रहे हैं, मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मेरे पास प्राण त्याग करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखियाँ बहुत समझदार थीं, उन्होंने कहा प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है, संकट के समय पूरी तरह धैर्य से काम लेना चाहिए, भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है, जिसे मन से पति के रूप में वर्ण कर लिया है जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करें, मैं गणगौर वन में ले चलती हूँ जो साधना स्थल भी है, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज नहीं पाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया, तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बहुत चिंतित और दुखी हुए, इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम सहेलियों के साथ नदी तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी, तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया, इसी तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँचा तुमसे वर मांगने के लिए, मैंने कहा तुमने अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ, यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब तथास्तु कहकर मैं अर्थात भगवान शिव कैलाश पर्वत लौट गए। उस समय गिरिराज अपने बांधु बांधवों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहाँ पहुँचे और साथ तुमने सारा वृतांत सुनाया, वो तो कहा कि मैं घर तभी जाऊँगी जब आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे, तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह कराया। इस व्रत का महत्व है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मन वांछित फल देता हूँ, इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। ये इस तरीके की अनेक कथाएं प्रचलित हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए। अशोक सोनी की रिपोर्ट। देवालयों में देखिए किस तरह सज धज कर सुहागने स्त्रियां और जिनका विवाह नहीं हुआ है वे भी किस तरह पूजन में लीन हैं, आराधना में लीन हैं, नाच गाकर वे भगवान को प्रसन्न करने में अपनी पूरी ताकत लगाकर रखी हुई है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। देवालयों में भीड़ देखते ही बन रही थी, लोगों के घरों पर भी फुलेरे बंधे थे, रात भर लगातार ही भजन चलते रहे, लोग भजन गाते रहे, महिलाएं लगातार ही भजन गाती रहीं और चूंकि उन्हें 24 घंटे निर्जला उपवास करना था इसलिए वे आपस में एक दूसरे को संबल भी प्रदान करती रहीं। शिव की नगरी में हरतालिका तीज अर्थात तीजा का व्रत परंपरागत उत्साह, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं के साथ श्रद्धा भाव के साथ संपन्न हुआ। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा देवालय में महिलाएं आराधना करती हुई, नृत्य के साथ आराधना करती हुई दिखाई दे रही होंगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अशोक सोनी की रिपोर्ट। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में अगर आपको खबरें पसंद आ रही हो तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये सारी खबरें कैसी लग रही हैं। हम नए जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे। जय हिंद।